यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले अपने प्रश्नावली 5.3 के सभी सप्तमिका सूत्र सम और विषम फलन के बारे में जानकारी दी। तो प्रश्न 5.3 का प्रश्न नंबर पहला सिद्ध करो, यानी ये प्रश्न है सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो वाला प्रश्न होता है। तो उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। तो ये आपके हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड बेंच में आएगा आपकी। तो इसका हल इस प्रकार देखो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसका मान लेफ्ट हैंड साइड लेके चले साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, यानी साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 3 और टेन पाई बाई 4 के मान आप पाने चाहिए। साइन पाई बाई 6 का मान 10वीं में आपने सारणी पढ़ी है, साइन पाई बाई 6 यानी साइन पाई बाई 6 साइन 60, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 का मान जो होता है 1/2, टेन पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 का मान होता है सारणी में 1। तो यहां मान रख दो साइन पाई बाई 6 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 यानी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाई 4 यानी 1 का होल स्क्वायर 1/2 का वर्ग 1/4 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस 1 प्लस पाई बाई 4 1 प्लस 1 माइनस 4 1 और 1 2 माइनस 4 4 माइनस का 2 4 माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, कॉस पाई बाई 3 का मान 1/2 होता है, टेन पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो एक साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर, टेन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर, 1/2 का वर्ग 4 1/2 का वर्ग 1/4 1 का वर्ग 1 प्लस 4 1 प्लस 1 माइनस 4 एक और एक होगी 2 माइनस 4 माइनस 4 में से 2 के माइनस के 2/4 बराबर आ गया माइनस 1/2। ये अपने प्रश्न 5.3 का पहला प्रश्न हो गया। सेकंड प्रश्न 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। तो ये आपके है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आएगी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कोस स्क्वायर पाई बाई 3। तो सबसे पहले अपन कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को सेट करेंगे। तो आप देखो कोसेक 7 पाई बाई 6 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर तीसरे में होता है कोसेक नेगेटिव, कोसेक चेंज होगा नहीं, पाई में कोई भी त्रिकोणमितीय फलन चेंज होता नहीं है, माइनस कोसेक थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 6। तो यहां आप कोसेक 7 पाई बाई 6 की जगह लिख सकते हैं अपन, बराबर लिख सकते हैं कोसेक 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 6। तो यहां पर अब ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन करके कन्वर्ट हो गया फलन, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर या माइनस कोसेक पाई बाई 6 का हो गया होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 3 का हो गया होल स्क्वायर। अब अपन इसके अंदर मान रख देंगे साइन पाई बाई 6 का मान होता है 1/2 कोसेक पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक पाई बाई 6 का मान होता है 2 कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 है और 60 का मान होता है 1/2। तो यहां पर मान
साइन पाई बाय सिक्स यानी एक बटा दो का होल स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक पाई बाय सिक्स यानी दो का होल स्क्वायर कोस पाई बाय थ्री यानी एक बटा दो का होल स्क्वायर ये हो गया दो एक बटा दो का बराबर हो गया चार दो का बराबर हो गया चार एक बटा चार चार से चार कट गया एक बटा दो यहाँ आपके पास एक बटा दो प्लस वन प्लस सफाई दो एक प्लस दो ये आ गया तीन बटा दो ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे ये आपके राइट हैंड साइड वापस रिपीट करते हैं टू साइन स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कोस स्क्वायर सेवन पाई बाई सिक्स कोस स्क्वायर पाई बाई थ्री का मान याद करना है साइन पाई बाई सिक्स का मान आपके पास पड़ा है कोस पाई बाई थ्री का मान याद नहीं करिए कोसेक सेवन पाई बाई सिक्स का मान नहीं है कोसेक सेवन पाई बाई सिक्स को अपन ले सकते हैं कोसेक पाई प्लस पाई बाई सिक्स ले सकते हैं वापस दस पाई छः तो छः पाई प्लस पाई सेवन पाई बाई सिक्स हो जाएगा कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है तो कोसेक सेवन पाई बाई थीटा बराबर माइनस कोसेक पाई बाई सिक्स ले सकते हैं टू की जगह टू साइन पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर माइनस कोसेक पाई बाई सिक्स का होल स्क्वायर कोस पाई बाई थ्री का होल स्क्वायर साइन पाई बाई सिक्स का मान अपने पास है एक बटा दो कोसेक पाई बाई सिक्स का मान है दो कोस पाई बाई थ्री का मान एक बटा दो मान लग गया एक बटा दो का दो इंटू एक बटा दो होल स्क्वायर दो का होल स्क्वायर इंटू एक बटा दो का होल स्क्वायर एक बटा दो का बराबर एक बटा चार दो का बराबर चार एक बटा दो का बराबर एक बटा चार चार से चार कट गया दो का बार चार हो गया दो बार एक बटा दो प्लस एक प्लस सवाई दो यहाँ आ गया दो एक प्लस दो हो गया तीन बटा दो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट हैंड साइड आ गई तीन का प्रश्न नंबर पांच आपसे का पहला साइन पचहत्तर का मान ज्ञात करो साइन पचहत्तर का मान ज्ञात करेंगे हम देखो इस प्रकार करेंगे साइन पचहत्तर डिग्री साइन पचहत्तर डिग्री को अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन पचहत्तर को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं साइन पैतालीस प्लस तीस डिग्री तो यह साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई यहाँ एक्स की जगह पैंतालीस है तो ये साइन पचहत्तर का अपन ऐसे लिख सकते हैं पैंतालीस प्लस तीस साइन एक्स की जगह पैंतालीस है साइन पैंतालीस वाई की जगह तीस डिग्री प्लस कॉस पैंतालीस और साइन तीस तो साइन पैंतालीस और कॉस पैंतालीस का मान होता है एक बटा रूट दो कॉस तीस का मान होता है अपने पास एक बटा दो और कॉस तीस का मान होता है अपने पास रूट तीन बटा दो कोस तीस का मान होता है रूट तीन बटा दो और साइन तीस का मान होता है अपने पास एक बटा दो ये मान यहाँ रख दो आप ये साइन पचहत्तर डिग्री का मान आ जाएगा अपने पास साइन पैंतालीस एक बटा रूट दो कोस तीस रूट तीन बटा दो प्लस कोस पैंतालीस एक बटा रूट दो साइन तीस एक बटा दो प्लस सब आगे अपने पास दो रूट दो किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं रूट तीन प्लस वन ये आपके इसका आंसर आ गया है साइन पचहत्तर का मान साइन पचहत्तर डिग्री का मान आ गया रूट तीन प्लस वन अपॉन दो बटा रूट दो और त्रिकोणमितीय सूत्र क्या काम आते हैं वो आप देखो आप साइन पचहत्तर इसको ले सकते हैं पैंतालीस प्लस तीस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स की जगह पैंतालीस है वाई की जगह तीस है साइन पैंतालीस कॉस तीस कोस पैंतालीस साइन तीस साइन पैंतालीस कोस पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो होता है कोस तीस का मान रूट तीन बटा दो होता है साइन तीस का मान एक बटा दो होता है साइन याद आना चाहिए आपको तो एक बटा रूट दो साइन पैंतालीस का मान कोस तीस का मान रूट तीन बटा दो कोस पैंतालीस का मान एक बटा रूट दो साइन तीस का मान एक बटा दो रूट दो आ गया रूट तीन प्लस वन इसका आंसर आ गया प्लस दो रूट दो आया किसी संख्या गुणा करने की जरूरत नहीं है रूट तीन प्लस वन अपॉन दो रूट दो प्रश्न नंबर पांच पांचवे का सेकंड
दफा टेन पैतालीस का मान ज्ञात करो, तो टेन पैतालीस का मान तुम ज्ञात करेंगे तो टेन पंद्रह है, तो टेन पंद्रह को अपन ऐसे लिखेंगे टेन पंद्रह बराबर टेन पैतालीस माइनस तीस, तो यहाँ सूत्र लगेगा अपने पास टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये आया अपने पास, तो टेन पैतालीस माइनस तीस डिग्री, टेन पैतालीस माइनस टेन तीस अपॉन प्लस टेन पैतालीस और टेन तीस डिग्री, तो ये आपके टेन पंद्रह का मान आ जाएगा, टेन पैतालीस ये पैंतालीस का मान एक और टेन तीस का मान आ जाएगा अपने पास एक बटा दो थ्री, ये मान यहाँ पुट अप कर देंगे अपन, तो ये आपके टेन पंद्रह डिग्री का मान आ जाएगा अपने पास, टेन पैंतालीस मान वन, टेन तीस का मान एक बटा रूट थ्री अपॉन वन, टेन पैंतालीस का मान वन और टेन तीस का मान रूट थ्री, लसा बाई हर अंश में लसा बाई रूट थ्री, रूट थ्री माइनस वन बाहर में लसा बाई रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री से रूट थ्री हट गया, हर का परिमेय करो आपकी इच्छा, नहीं करो आपकी इच्छा, टेन पंद्रह डिग्री बराबर रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन, अगर हर का परिमेय करना चाहता हो तो रूट थ्री प्लस वन को रूट थ्री माइनस वन से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो ये आपके रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन, ये आपके रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, या आपके तीन माइनस वन आ जाएगा, रूट थ्री का वर्ग हो जाएगा तीन, वन का वर्ग हो जाएगा वन माइनस टू रूट थ्री अपॉन बचे दो, या बचा चार माइनस दो रूट दो आठ दे दो का दो माइनस उससे दो कट जाएगा, चार में दो का भाग दो बार माइनस दो से दो कटा, तो ये आपके टेन पंद्रह का मान आ जाएगा दो माइनस रूट थ्री, दो माइनस रूट थ्री आ जाएगा टेन, टेन पंद्रह का मान आ जाएगा दो माइनस रूट थ्री, टेन पंद्रह बराबर टेन पैंतालीस माइनस तीस, टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, एक्स की जगह पैंतालीस वाई की जगह तीस, टेन पैंतालीस माइनस टेन तीस अपॉन वन प्लस टेन पैंतालीस टेन तीस, टेन पैंतालीस मान एक, टेन तीस का मान एक बटा रूट थ्री, टेन पंद्रह मान पैंतालीस का मान वन, टेन तीस का मान एक बटा रूट थ्री, वन की जगह वन, टेन पैंतालीस का मान वन, टेन तीस का मान एक बटा रूट थ्री प्लस सफाई रूट थ्री या रूट थ्री माइनस वन प्लस सफाई रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री से रूट थ्री कट गया, रूट थ्री माइनस वन मैंने किया हर का परिमेय कर, रूट थ्री माइनस वन को पंच गुणा किया, इसका हो गया होल स्क्वायर, अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर अंडर रूट घटेगा वन, स्क्वायर वन आएगा, यह आ जाएगा अपने पास, यह मैंने परिभंगन किया यहाँ पर परिभंगन किया है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट घट जाएगा माइनस वन का वर्ग वन, तीन में से एक दो, तीन और एक चार, चार माइनस दो रूट दो, चार में दो का भाग दिया दो, दो से दो कट गया रूट थ्री, दो माइनस रूट थ्री टेन पंद्रह का मान आया है। पांच पॉइंट तीन का प्रश्न नंबर चार, टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस टू साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री बराबर दस, तो ये आपके हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये आपके हैं राइट हैंड साइड, तो इसका इस प्रकार है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे राइट हैंड साइड आएगी आपके, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड टू साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई फोर प्लस टू
cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3. ये आपके पास आ गया है, ये आपके पास आ गया है। देखो आप इसमें 2 साइन 3 पाई बाई 4 को आप ऐसा लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इसको आप ऐसे लिख दो होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दो। तो साइन पाई बाई 2 चेंज होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन पॉजिटिव होता है चेंज होगा कॉस पाई बाई 4, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2 sec पाई बाई 3 यानी cos पाई बाई 3 cos 60 का मान 1/√2 होता है, sec पाई बाई 3 का मान होता है 2। ये मान यहाँ पर रख दो अपन, ये 2 cos पाई बाई 4 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos पाई बाई 4 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2 sec पाई बाई 3 यानी sec पाई बाई 3 का मान होता है 2 का होल स्क्वायर 2√2 1/√2 का वर्ग 2 प्लस 2 1/√2 का वर्ग 2 प्लस 2 इंटू 2 का वर्ग 4, ये 200 हो गया। 1 प्लस 1 4 2 8 बराबर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 8 हो गए 10। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड अपने पास आ गई है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3। तो 2 साइन 3 पाई बाई 4 को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 होल स्क्वायर प्लस 2 साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 पाई बाई 2 में साइन क्या कोई भी त्रिकोण प्रतिफलन पाई बाई 2 में चेंज होता है, साइन चेंज होगा कॉस में कॉस पाई बाई 4 इसकी जगह लिखिए कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, 2 की जगह 2 कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाई 4 का मान होता है 1/√2 sec पाई बाई 3 का मान होता है 2, 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 रूट होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाई 3 2 का होल स्क्वायर, ये √2 का वर्ग 2, 2 से 2 कट गया 2 √2 का वर्ग 2, 2 से 2 कट गया 4, 2 दूनी 4 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया तो 4 आएगा 4 2 8 8 2 8 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 8 10 हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड चेंज करते हैं, राइट हैंड साइड अपने आप रहेगा।